आरोग्य जागृति। दर्शकों, आरोग्य जागृति में हम आज जानेंगे कोरोना पोस्ट कोविड के बाद का हार्ट पे होने वाले दुष्परिणाम। डॉक्टर अजय उकड़गांवकर सर जी अब हमसे बात करेंगे और हमारे सवालों को दर्शकों को एक जवाब के माध्यम से मालूम मिल सकती है। दर्शकों, डॉक्टर अजय उकड़गांवकर डैशिंग है, अभी न्यू मेडिकवर हॉस्पिटल में काफ़ी पेशेंट का अनुभव है। हम उन्हीं से जानेंगे पोस्ट कोविड के बाद होने वाले दुष्परिणाम। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अजय उकड़गांवकर है। मैं मेडिकवर हॉस्पिटल औरंगाबाद में कार्डियोलॉजिस्ट के तौर पे काम कर रहा हूँ। पिछले 4 महीने से मैं इस हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ और हमने कोविड से रिलेटेड काफ़ी पेशेंट्स, पोस्ट कोविड हार्ट रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस के भी काफ़ी पेशेंट्स देखे हैं, उसी बारे में हम आज बात करेंगे। डॉक्टर, आज पोस्ट कोविड के बाद काफ़ी बॉडी के पार्ट्स पे इफ़ेक्ट हो रहा है और लोगों में काफ़ी दहशत है। ऐसे में ही हमारे दर्शकों को बताना है, एक हमारे को कॉल आया है, उस कॉल का बोलना है कि हमारा एंजियोप्लास्टी हो चुकी है, 2 साल पहले एंजियोप्लास्टी हो चुकी है, अभी मैं ट्रीटमेंट लेकर अच्छा हुआ हूँ, लेकिन ऐसे में ही मुझे कोरोना हो चुका है, कोरोना का ट्रीटमेंट भी अच्छी तरह लिया हूँ, लेकिन मुझे डर है कि आगे चल के मुझे क्या डिसीज़ हो सकता है, मैंने क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, ये हमें बताइए। डॉक्टर, और एक हमारा सवाल है, एक पेशेंट का सवाल है, उसका बाईपास भी हो चुका है। बाईपास होने के बाद जितना उसको डर नहीं था, बाईपास हो गया है, काफ़ी अच्छे से रह रहा है, उसको कोविड हो चुका है, कोविड का मेडिसिन लिया है, लेकिन काफ़ी डॉक्टर्स के स्टेटमेंट आ रहे हैं पोस्ट कोविड के बाद काफ़ी तकलीफ होती है, ये डिसीज़ हो सकता है, अभी जी बाईपास होने के बाद भी इतना डर नहीं लगा है, आज कोविड ट्रीटमेंट लेने के बाद भी आज वो फेयर में है, डर में है, आप उसे क्या करना चाहिए? लोगों में दहशत फैली हुई है, ये तो बहुत लाजमी है, क्योंकि आजू बाजू में जो न्यूज़ नेगेटिव न्यूज़ फैल रहे हैं उसकी वजह से लोगों का डरना, ऑलरेडी जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ है उनका डरना बहुत स्वाभाविक है। मेरी यही सलाह है कि आप डरिए मत, जो केयर लेना है वो केयर लेना ज़रूरी है, लेकिन फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। चाहे आपका बाईपास हो चुका हो, चाहे आपको बीपी हो, डायबिटीज़ हो, किडनी का प्रॉब्लम हो, जो भी पहले के मॉर्बिडिटीज़ हो, अगर आप टाइमली डायग्नोसिस और टाइमली ट्रीटमेंट करेंगे, डॉक्टर की सलाह से मेडिसिन का कोर्स पूरा करेंगे, तो आपको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा। इसके साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि जिन लोगों को ऑलरेडी कोमॉर्बिडिटीज़ है, उन्होंने सही टाइम पे जब जहाँ पे भी अवेलेबल है वैक्सीन लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोगों में ये बात बहुत फैली हुई है कि मुझे हार्ट का प्रॉब्लम है तो मैंने वैक्सीन लेना चाहिए कि नहीं, मुझे किडनी का प्रॉब्लम है तो लेना चाहिए कि नहीं, मुझे ब्लड थिनर मेडिसिन चल रही तो लेना चाहिए कि नहीं। लोग अभी भी उतने अवेयर नहीं और वैक्सीन लेने से डर रहे, तो ये कॉम्प्लिकेशन अवॉइड करने का, कोविड पे मात करने का इतना एक ही तरीका है कि वैक्सीन लो। जिन लोगों को ऑलरेडी हार्ट डिसीज है उन्होंने तो 100% वैक्सीन लेनी चाहिए, जो लोग ब्लड थिनर्स पे है डॉक्टर की सलाह से लेना चाहिए, लेकिन लेना ज़रूर चाहिए। डरिए मत, फिक्र मत कीजिए, केयर करिए लेकिन डरिए मत। सर, एक सवाल ऐसा है, एक शुगर काफ़ी हाई रहती है, बीपी का गोली चालू है और उसमें जो एस्प्रिन वगैरह गोली होती है ब्लड इसके लिए पतला करने के लिए, वो गोली भी खा रहा है, अब ऐसे में उसको कोरोना हो गया तो उसके लिए क्या, हार्ट के लिए क्या प्रिकॉशन रहना चाहिए? देखिए, आपने जैसे बोला कि ऑलरेडी डायबिटीज़ है, बीपी की गोली चल रही है, ब्लड पतला करने की भी गोली चल रही है, तो पेशेंट कोरोना होने के पहले ही ऑलरेडी ये चीज़ों पे ट्रीटमेंट चल रहा है। कोरोना होने के बाद बहुत अलग इन लोगों में कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे रूटीन पेशेंट का ट्रीटमेंट चलता है वैसे ही ट्रीटमेंट लेना चाहिए। डायग्नोसिस होने के बाद जो हम कोई ब्लड टेस्ट करते हैं जिससे ये समझ जाता है कि ब्लड थिनर की कौन से टाइप के ब्लड थिनर की ज़रूरत है, उस हिसाब से अगर सिर्फ ये एंटीप्लेटलेट को एंटीकोएगुलेंट में कन्वर्ट करने की ज़रूरत पड़ी तो उतना डॉक्टर की सलाह से करना चाहिए। बाकी उनके लिए कोरोना का ट्रीटमेंट कुछ अलग नहीं है, उनमें से प्रिकॉशन ज़्यादा लेने पड़ते हैं, मॉनिटरिंग ज़्यादा लेना पड़ता है, लेकिन उनका ट्रीटमेंट और बाकी लोगों का ट्रीटमेंट भी कोरोना के लिए सेम ही रहता है। डॉक्टर साहब, हमारे पास एक सवाल ऐसा है, एक फैमिली में 4 जन हार्ट के पेशेंट है और हेरिडिटी है उनके घर में, अभी तक उनको सबको एंजियोप्लास्टी हो गया है, एंजियोग्राफी सबका टेस्ट हो चुका है, काफ़ी सुदृढ़ है फैमिली, अब उन्हें इतना डर पहुँच चुका है, उनके घर में इतना डर है क्या कोरोना होने के बाद, अभी हमने हमारे कोरोना से कैसे बचाव करना चाहिए? जैसे सारी मीडिया में ये प्रिकॉशंस तो बार बार बोले जा रहे हैं कि कोरोना
का बेस्ट इलाज है उसका प्रिवेंशन। प्रिवेंशन करने के लिए 3 सिंपल चीज़ें हैं, सोशल डिस्टेंसिंग करना, अननेसेसरी घर के बाहर नहीं निकलना, बाहर निकलते वक्त मास्क पहने रखना और फ्रिक्वेंट हैंड वॉश करना। ये जो बेसिक प्रिकॉशन हर एक ने फॉलो करने चाहिए। स्पेशली आप जैसे बोल रहे हो कि जिनके घर में ऑलरेडी हार्ट डिसीज़ का प्रॉब्लम है, उनमें मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि कॉम्प्लिकेशन का रिस्क 5 गुना ज़्यादा रहता है, तो उन्होंने ये प्रिकॉशन ज़्यादा लेने चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ अपार्ट फ्रॉम दिस, प्रिवेंशन के लिए बेस्ट थिंग इज़ वैक्सीनेशन, तो उन्होंने जल्दी से जल्दी वैक्सीन ले लेना चाहिए। अभी अपनी सरकार ने ऑलरेडी 45 प्लस को तो सभी को दे रहे हैं, 18-45 में भी कई जगह पे वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ है उन लोगों को प्रायोरिटी बेसिस पे वैक्सीन दे रहे हैं। तो ये सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉश, मास्क और वैक्सीन, ये 4 ही पिलर्स हैं मैं बोलूँगा कोरोना को प्रिवेंट करने के लिए। और प्रिवेंशन एक बार हो गया तो ऑलरेडी अपने आप कॉम्प्लिकेशन उसके टल जाएंगे। के बाद भी कोरोना हो सकता है, वैक्सीन लेने के बाद भी कोरोना हो सकता है, लेकिन वैक्सीन लेने के बाद जब हम ऑलरेडी फुल्ली वैक्सीनेट हो चुके हैं उसके बाद ये कोई क्लेम नहीं कर रहा है कि कोरोना नहीं होगा, लेकिन कोरोना होने के बाद उसका सीवियरिटी जो है वो बहुत कम रहेगा, या वैक्सीन लेने के बाद डेडली डिसीज़ या कॉम्प्लिकेटेड डिसीज़ नहीं होगा। दैट इज़ द पर्पज़ ऑफ वैक्सीनेशन। वैक्सीन लेने के बाद भी कोरोना तो हो ही सकता है क्योंकि एक्सपोजर तो चालू रहने वाला है, वायरस कहीं नहीं जाने वाला, वायरस हमारे बीच हमेशा रहने वाला है, लेकिन आपकी बॉडी जितना प्रिपेयर रहेगी वायरस को डील करने के लिए उतना उसका कॉम्प्लिकेशन कम होगा। और ये बॉडी को प्रिपेयर करने के लिए वैक्सीनेशन लेना ज़रूरी है। हार्ट के पेशेंट में इम्यूनिटी पावर कम नहीं रहता है, लेकिन हार्ट के पेशेंट को जो बाकी कोमॉर्बिडिटीज़ रहते हैं, जैसे अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ रहता है, किडनी प्रॉब्लम्स रहते हैं, अनकंट्रोल्ड शुगर रहता है, एक्सट्रीम्स ऑफ एज रहते हैं, तो ये कोमॉर्बिडिटीज़ की वजह से पेशेंट की ओवरऑल इम्यूनिटी डाउन हो जाती है। जो ओल्ड एज पीपल है या जो ऑलरेडी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, स्टीरॉयड मेडिसिन कोई और डिसीज़ के लिए ले रहे हैं, या जिनका अनकंट्रोल्ड शुगर है, ये 3 मेन कैटेगरी के लोग हैं जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज माने जाते हैं। लेकिन सिर्फ हार्ट डिसीज़ पर से की वजह से पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है। डॉक्टर, जैसा आप बताएं कार्डियोलॉजिस्ट हो, तो हमारे दर्शकों को बताइए अपना हार्ट हेल्दी रहने के लिए क्या क्या टिप्स रखना चाहिए, क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए ताकि हमें हार्ट के बीमारी से बचा सके। हार्ट रखने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है हेल्दी लाइफस्टाइल। फैंसी मेडिसिन, फैंसी टेस्ट, इसके ऊपर निर्भर ना रह के आप अगर अपनी लाइफस्टाइल बहुत हेल्दी रखोगे, जिसमें रेगुलर एक्सरसाइज आता है एटलीस्ट 30 मिनट्स पर डे, आपका वेट कंट्रोल में रखना, आपका BMI 25 से कम रखना, या ईटिंग हैबिट में जंक फूड, रेड मीट, अल्कोहल, स्मोकिंग, ये चीज़ें अवॉइड करना, फाइबर इंटेक अच्छा लेना, स्क्वेयर डाइट लेना, ये रहा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। दूसरा चीज़ हार्ट डिसीज प्रिवेंशन के लिए है कि जिन लोगों को कोमॉर्बिडिटीज़ मेन रिस्क फैक्टर्स है, उसमें कुछ मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स रहते हैं, कुछ नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर, जैसे एज और जेंडर, ये मॉडिफाइबल नहीं है। जो मॉडिफाइबल फैक्टर्स है वो है BP, शुगर, कोलेस्ट्रॉल। तो जिन लोगों को फैमिली में BP का हिस्ट्री है, शुगर का हिस्ट्री है, कोलेस्ट्रॉल का हिस्ट्री है, उन लोगों ने 30 साल के बाद रूटीन चेकअप में इनकी ये 3 चीज़ें रिस्क फैक्टर्स को रेगुलरली चेक करते रहना चाहिए। जिन लोगों को ऑलरेडी ये रिस्क फैक्टर डायग्नोज है, उन्होंने डॉक्टर की सलाह से BP और शुगर और कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रखना, ये बहुत ज़रूरी है। सो इन शॉर्ट, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन विथ रिस्क फैक्टर मॉडिफिकेशन इन कंसल्टेशन विद डॉक्टर। हार्ट का डिसीज़ बचाने के लिए मैं दोबारा वही बोलूँगा कि जो मेन रिस्क फैक्टर्स है उनके ऊपर ही वर्क करना चाहिए, क्योंकि हार्ट डिसीज़ एक दिन में नहीं होता है, ये सालों का, महीनों का प्रोसेस है। आप अगर रिस्क फैक्टर कंट्रोल करोगे और आपकी लाइफस्टाइल हेल्दी रखोगे, एडिक्शन से दूर रहोगे, तो आपको सालों साल तक आप हार्ट डिसीज से फ्री रह सकते हो। जो चीज़ें अपने हाथ में हैं वो मॉडिफाई कीजिए, जो चीज़ें अपने हाथ में नहीं है, एज अपने हाथ में नहीं है, जेंडर अपने हाथ में नहीं है, आपको विरासत में जो जीन्स मिले हैं वो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आपके हाथ में है आपकी लाइफस्टाइल, आपके हाथ में है आप खुद की बॉडी के साथ क्या करते हो, वो आपके हाथ में है। तो जो आपके हाथ में है उसको कंट्रोल कीजिए और चिंता छोड़ दीजिए। देखा दर्शकों, ये थे अजय उकड़गांवकर सर, कार्डियोलॉजिस्ट है, काफ़ी अच्छी हमें जानकारी दी है। अब कोरोना होने के बाद हार्ट के पेशेंट को डरने की ज़रूरत नहीं है, हाँ, लेकिन अपने तज्ञ डॉक्टर के पास ही से ट्रीटमेंट लीजिएगा। धन्यवाद। आरोग्य जागृति।